so hello my dear friends welcome to my youtube channel this is learning with ganesh prior to this i have made one episode that is one should know at least three languages we just see that video and after that i'm just at the end of the video i have told you that if you are eager to learn english i will help you so this is the starting a day 1 तो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्ल यू सम पार्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश सच डे वन क्लास तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हम इंग्लिश जो हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑलमोस्ट ऑल एक ऐसी भाषा है अब ये ज़रूरी हो गया है it has become one of the most important languages where if you want to make career where you if you want to prove what you are so this is the language not only grammarly but also glamorly so तो अब हम कोई भी भाषा बताने के पहले हम हाँ अपना बॉडी लैंग्वेज बताते हैं हम हाँ अपने भावों को बताते हैं अब उसके कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ डिसिप्लिनरी वर्ड्स हम लोग सीखेंगे एक ऐसे वर्ड्स जहाँ पर हमारी एक स्टेटस बना रहे तो कोई भी लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन उसका ग्रामर उसका ग्लैमर उसका ऑर्डर तो आइए हम एक स्ट्रक्चर के तौर पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन कहा जाता है तो हम फर्स्ट इम्प्रेशन इंग्लिश से जब कोई हमसे मिलते हैं तो हाई हेलो कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं गुड आफ्टरनून कहते हैं या गुड इवनिंग कहते हैं बहरहाल देखिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये तीनों का एक मीनिंग है तो गुड नाइट अलग मीनिंग है ऐसे नहीं कि सुबह तो मॉर्निंग दोपहर तो आफ्टरनून शाम में तो इवनिंग रात को कोई मिलता है तो गुड नाइट कह हैं गुड नाइट का अर्थ ही कुछ और है आज भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं स्टिल दे गेट कन्फ्यूज कि हम कब क्या बोले हम कुछ विश करने के पहले हम घड़ी को देखते हैं समय को देखते हैं तब हम बोलते हैं अरे आफ्टरनून चलो हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश कर लेते हैं बट उसका भी कुछ एक नियम है तरीका है कि कब तक हम गुड मॉर्निंग बोले और कब से कब तक हम गुड आफ्टरनून बोले और कब से कब तक हम गुड इवनिंग बोले और किस संदर्भ में हम गुड नाइट बोले आज भी बहुत से स्टूडेंट्स लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आई हैव टोल्ड यू जस्ट आई विल गाइड यू इन ईच एंड एवरी पंच सही और जस्ट केम टू गाइड यू दैट कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कब हम क्या बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलने का जो समय होता है वो देखिएगा <coughs> तो सबसे पहले विश विशेष में सबसे पहले घड़ी कड़ी जो होती है सबसे पहली कड़ी हम लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग तो पता है गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोला जा सकता है ठीक रात को बारह बजकर एक मिनट से जस्ट बारह बज कर एक मिनट है ना बारह के बाद मिडनाइट आफ्टर ट्वेल्व ओ क्लॉक से दोपहर बारह के थोड़ा पहले तक अरे सुबह के गेवन आवर्स फिफ्टी नाइन मिनट्स फिफ्टी नाइन सेकेंड्स तक हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं सो नाउ आफ्टर गुड मॉर्निंग नेक्स्ट विश इज गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून हम कब से कब तक बोले? टुडे आल्सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज दैट कि गुड आफ्टरनून हम कब तक बोलते जाए तो गुड आफ्टरनून बोलने का जो पीरियड होता है ठीक दोपहर के बारह बजे के बाद से और शाम पाँच बजे के थोड़ा पहले तक हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे यानी गुड आफ्टरनून तब तक होगा जब तक का कि सूरज पूरी तरह से अस्त न हो जाए सन जब तक सेट नहीं होता है तब तक वो पीरियड गुड आफ्टरनून का ही होता है सो गुड आफ्टरनून का पीरियड होता है जस्ट ट्वेल्व नून के बाद से और शाम को पाँच बजे के थोड़ा पहले तक गुड आफ्टरनून बहुत कोई देखते हैं शाम दोपहर तीन बजता है चार बजता है गुड इवनिंग बोल जाते हैं कई ऐसे स्कूल भी है आज भी साढ़े तीन चार बजे तक क्लासेस होता है उसके बाद छुट्टी होती है तो सब बच्चे गुड इवनिंग बोल के निकल जाते हैं गुड इवनिंग चार बजे नहीं वो भी गुड आफ्टरनून पीरियड गुड आफ्टरनून का ही पीरियड होता है अब लास्ट होती है गुड इवनिंग अब बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि सर गुड इवनिंग शाम हो जाती है तब रात जब अंधेरा होता तो हम गुड नाइट बोल सकते हैं तो गुड इवनिंग बोलने का दायरा कब से कब तक है यू नो शाम पाँच बजे के बाद से रात को ठीक बारह के पहले तक का जो पीरियड है गुड इवनिंग का पीरियड है रात को 11 बजे भी अगर कोई आता है तो यू कैन विश हिम एज जी गुड इवनिंग इट्स ऐप टे करेक्ट है कोई गलत नहीं है बट बहुत से लोग सोचते हैं गुड नाइट है तो हम जब मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग आफ्टरनून को गुड आफ्टरनून शाम होती है तो गुड इवनिंग रात में तो हम गुड नाइट क्यों नहीं बोल सकते गुड नाइट इस दायरे में नहीं आता गुड नाइट का समदर मीनिंग है ये एक वेलकमिंग हम अभिवादन है ये गुड नाइट अभिवादन नहीं है सो so, गुड आफ्टर गुड इवनिंग का पीरियड होता है शाम को पाँच बजे से लेकर रात को ठीक बारह बजे के मिडनाइट नाइट ट्वेल्व आवर्स के थोड़ा एक सेकंड पहले तक का जो पीरियड है वो गुड इवनिंग का पीरियड होता है अब रहा एक और अब बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते गुड नाइट हम कब बोलेंगे गुड नाइट हम तब बोल सकते जब आप विदा हो रहे हैं सोने के लिए चले जा रहे हैं गुड नाइट बोल के चले गए आज हम उनसे फिर दोबारा नहीं मिलेंगे गुड नाइट का मतलब होता है आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप मैं सोने जा रहा हूं गुड नाइट हम शाम में भी किसी को मिलने के बाद घर आते हैं घर आने वक्त ओके बाय गुड नाइट बोल के हम आ सकते हैं मैंने एक अलविदा बाय अच्छा और गुड मॉर्निंग बोलने का जो समय तो जो बोले हैं मिडनाइट नाइट बारह से सुबह के 12 बजे तक गुड गुड़ मॉर्निंग होता है एक और है जो शायद बहुत से कम लोग इस चीज को जानते हैं कई दिनों बाद बरसों बाद अगर हम किसी व्यक्ति को अचानक मिल लेते हैं फर्स्ट मुलाकात गुड मॉर्निंग से ही कहा जाता है चाहे वो शाम को मिले या रात को मिले या सुबह मिले एक दोपहर को मिले फर्स्ट मुलाक़ात हम उसे गुड मॉर्निंग अगर बोलते भी है तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं है इन फैक्ट यू आर ओबेइंग द इंग्लिश रूल्स सो गुड मॉर्निंग इज़ अ फर्स्ट मीट वेन इफ यू मीट वेदर इन नो डाउट इफ यू मीट इन द मॉर्निंग आर इन द आफ्टरनून आर इन द इवनिंग यू कैन यू कैन विश हिम एज अ गुड मॉर्निंग इफ यू आर गोइंग टू मीट हिम वेरी वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम सो गुड मॉर्निंग हम बोल सकते हैं फर्स्ट मुलाकात यही है जो मैं आपको विशेष के जो टाइम है किस टाइम हम कैसे विश करते हैं ये दिखाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए गुड इम्प्रेशन हम जब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो बदले में वो भी हमें उतना ही देते हैं हम बोले हैं हमको अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लगा उन्होंने हमें रिप्लाई दिया हमें भी अच्छा लगा है सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश कन्वर्जेशन क्लासेस में इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में एंड ये सीरीज चलेगा ये डे वन का है रिमेंबर विशेष सबसे पहली बात थी इसी से हम आगे बढ़ते हैं सो so, जो वेट फॉर द सेकेंड डे सेकेंड क्लास क्या होता है सो दिस इज अ क्लास वन था सो विल मीट यू फर्दर डे टॉपिक टिल देन